रोशनी करते जहां।
Thank you.
जयंती, मैं विश्व कल्याणकारी फरिश्ता पांच तत्वों को सकाश दे रही हूं। पांच तत्वों से बनी सभी आत्माओं के शरीरों को भी सकाश दे रही हूं। मैं पांच तत्वों की माफी मांग रही हूं। हे पांच तत्वों, हम आत्माओं ने द्वापर युग से खासकर इस कलयुग में जो हमने आप पांच तत्वों का दुरुपयोग किया है, गंदगी फैलाकर आपका निरादर किया है, उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। मैं फरिश्ता खड़ी हूं आकाश तत्व में, दे रही हूं सकाश आकाश तत्व को। आकाश तत्व को शांति की किरणों के रूप में सकाश पहुंचा रही हूं। शिव बाबा से ग्रहण करके शांति की आसमानी किरणें ये किरणें मुझसे निकलकर आकाश तत्व में समा रही है। मनुष्यों के नेगेटिव बिहेवियर के कारण असंतुलित हुआ, क्रुद्ध हुआ आकाश तत्व शांत हो रहा है। ये शांति की आसमानी किरणें सभी आत्माओं के देह में स्थित आकाश तत्व में प्रवाहित हो रही है। श
शरीरों में स्थित आकाश तत्व शांत हो रहा है, स्वच्छ हो रहा है। अब मैं फरिश्ता उड़ रही हूं वायु तत्व में। दे रही हूं सकाश वायु तत्व को। प्रेम की हरी हरी किरणों का प्रेम की हरी किरणें बह रही है वायु तत्व में, दूर दूर तक। और साफ कर रही है वायु तत्व में समाये फैक्ट्रियों के विषारी गैसों को। वायुओं को, धूल को, वायु तत्व स्वच्छ हो रहा है। उसका उग्र रूप धीरे धीरे शांत हो रहा है। वायु स्वच्छ हो रहा है। हवा में मिले हुए जहरीले गैस नष्ट हो रहे हैं। वायु प्रदूषण कम होता जा रहा है। वायु तत्व साफ हो रहा है। हवा में फैली बदबू कम हो रही है। सभी शरीरों में जो वायु तत्व है उसमें भी ये किरणें समा रही है। शरीरों में स्थित वायु तत्व निरोगी निरामय हो रहा है। मैं फरिश्ता अब अग्नि तत्व को सकाश दे रही हूं।
सुख सागर शिव बाबा से, मैं सुख की पीली किरणें प्राप्त कर रही हूं। ये तरंगे मुझसे निकलकर अग्नि तत्व को जा रही है। अग्नि का मूल स्रोत सूरज को भी जा रही है। अग्नि तत्व को शीतल कर रही है ये किरणें। अग्नि तत्व स्वच्छ सत्वगुणी बन रहा है। सभी आत्माओं के शरीरों में जो अग्नि तत्व है उसे भी ये किरणें जा रही है। शरीरों में स्थित अग्नि तत्व में संतुलन बन रहा है। अब मैं फरिश्ता सागर की सतह पर खड़ी हूं। बाप दादा मेरे साथ है। हम दोनों जल तत्व को सकाश दे रहे हैं। पवित्रता की केसरी किरणों का इन वाइब्रेशंस से जल तत्व पावन बनता जा रहा है। जल तत्व की सारी गंदगी साफ हो रही है। पानी में मिले केमिकल्स, प्लास्टिक के थैले, कचरा नष्ट हो रहा है। जल तत्व स्वच्छ हो रहा है। जल तत्व की बदबू कम हो रही है। जल तत्व का रौद्र रूप शांत हो रहा है। सभी आत्माओं की देह में जो जल तत्व है उसमें ये वाइब्रेशन समा रहे हैं। देह में स्थित जल तत्व का संतुलन बन रहा है। अब मैं एक पहाड़ी पर खड़ी हूं बाप दादा के साथ। हमसे शक्ति की लाल तरंगे निकलकर धरती में प्रवाहित हो रही है। पृथ्वी तत्व स्वच्छ हो रहा है। रासायनिक खेती के कारण बंजर बनी धरती उपजाऊ बन रही है। मैं रूह
पांचों तत्व को धन्यवाद दे रही हूं। आत्माओं की मिट्टी से बनी शरीरों को ये गिरने जा रही है। कोशिकाओं में ये किरणें समा रही है। कोशिकाएं स्वस्थ हो रही है। हे पांच तत्वों, 84 जन्म सहयोग देने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फरिश्ता बाप दादा के पास सूक्ष्म वतन में पहुंच जाती हूं। प्यारे मीठे बाप दादा को अपने हाथों से भोग की गिट्टी तैयार कर स्वीकार कराएं। बाप दादा भी हम बच्चों को बड़े प्यार से भोग की गिट्टी खिलाते हैं। हम भी बाप दादा को भोग की गिट्टी खिलाते, उनकी प्यार भरी दृष्टि से स्नेहयुक्त पालना लेते हैं। उन्हें जल स्वीकार कराकर सूक्ष्म वतन से नीचे पुनः आ जाते हैं इस साकारी दुनिया में अपने स्थूल शरीर में। अपने हाथ में जल ले ले चार्जिंग करने के लिए। अनुभव करें, बाप दादा मेरे बिल्कुल सम्मुख है और उनकी अनंत शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप किरणें इस जल में प्रवाहित हो रही है, जिससे ये जल श्रेष्ठ सकारात्मक ऊर्जा के प्रकंपनों से पूर्णतः चार्ज हो रहा है। एक एक एटम शक्तिशाली बनता जा रहा है। परिवार में सभी तन से स्वस्थ, मन से खुशहाल हो रहे हैं। हर कार्य में कम मेहनत में ही कई गुना अधिक सफलता प्राप्त होती जा रही है। परमात्म स्मृति में रहकर कार्य करने से विघ्न प्रूफ हो सहज ही सभी कार्य सहजता से हो रहे हैं। ये जल अब परमात्म शक्तियों से पूर्णतः चार्ज हो चुका है। इसे घर के कॉमन वेसल में प्रवाहित कर दें ताकि सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके।